Good morning to all. Again, I am in front of you. Let's start with a smiling face and positivity and with one thought quote. Happiness is not the absence of problems, it's the ability to deal with them. Means, happiness ka matlab ye nahi hai ki I have problems nahi hai. ये वो एबिलिटी है जिससे हम डील करते हैं। अगर हम खुश रहेंगे, अगर हम हैप्पी रहेंगे तो हर प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी से निकल आएगा। विद दिस थॉट, विद दिस कोट, लेट्स स्टार्ट। मैथ्स, दिस इज योर मैथ्स बुक। मैथ्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। व्हिच चैप्टर आर वी डूइंग? वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ फोर बेसिक ऑपरेशंस, चैप्टर नंबर 7, application of four basic operations. Fine. Write down the date, margin, and exercise 7C. It's on which page? It's on page number 116. So let's start with the first question. Before starting the exercise, let me explain the concept which is related to this exercise. Exercise start करने से पहले मैं concept clear करूँगी कि क्या इसमें exercise में क्या concept आ रहा है. Let means यहाँ पर है SP. What is SP? SP means selling price. Selling price means as the name define itself, जैसे कि नाम अपने आप को define करता है. Sell करना, किसी चीज को sell करना, that is selling, और उसका price, उसकी cost, that is selling price. जिस चीज में किसी भी product को जब हम sell करते हैं, जो उसकी cost आती है, वो उसकी selling price होती है. NCP, that is cost price. Cost price means किसी भी product की cost कितनी है, that is its cost price. And on the basis of selling price and cost price, we will know that whether we get the profit or loss. हमें cost price और selling price के basis पे हम ये पता लगाते हैं कि हमें profit मिलेगा कि loss मिलेगा. तो क्या condition है? First condition, if SP is greater than CP means profit. जहां पर SP CP से बड़ा है, means selling price cost price से बड़ी है, वहां पर profit होगा. And second condition is if CP is greater than SP then loss. जहां पर CP यानी cost price selling price से बड़ी है, वहां पर loss होगा. तो these are the two condition by which we can find out whether we get the profit or loss. Now, which are the formulas which we apply for finding the loss and profit? कौन कौन से formulas हैं, कुछ basic formulas हैं जिनको हम apply करकर हम find करते हैं कि profit होगा कि loss होगा. कौन कौन से? See, profit equal to SP माइनस सीपी. अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है और हमें एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों गिवन है, तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे कैसे? एसपी माइनस सीपी. लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी मींस अगर हमारे पास हमें लॉस फाइंड करना है या प्रॉफिट फाइंड करना है, तो कंडीशन देखकर हम इस ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम प्रॉफिट और लॉस को फाइंड कर पाते हैं. फाइन. अब कंडीशन, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है और सीपी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट. मींस हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो एसपी में से सीपी प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, सीपी आ जाएगा. ठीक है. और हमारे पास अगर लॉस दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सीपी फाइंड करने के लिए एसपी प्लस लॉस इक्वल टू सीपी.
कंडीशन सब अलग अलग है बच्चों, जहां पर एस पी और सीपी गिवन है वहां प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे, मीन्स एस पी माइनस सीपी प्रॉफिट, सीपी माइनस एस पी लॉस. अब जहां पर एस पी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो एस पी माइनस प्रॉफिट कॉस्ट सीपी. और जहां पर एस पी और लॉस दिया हुआ है, सीपी फाइंड करनी है, तो एस पी प्लस लॉस सीपी. इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. अगर इसमें कंडीशन, अगर हमारे पास हमें एस पी फाइंड करना है, प्रॉफिट और सीपी दिया हुआ, ये भी देख लो मुझे, तो सीपी प्लस प्रॉफिट. अब यहाँ क्या कंडीशन आ गई, हमें सीपी और प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तब हम एस पी निकाल लेंगे. और अगर हमारे पास लॉस और सीपी गिवन है, तो एस पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी माइनस लॉस. ये अच्छे से कर लीजिएगा सारे फॉर्मूलास, ठीक है. विद दिस लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. Exercise 7C. First question: Rahul bought a sofa set for ₹25,000 and sold it for ₹32,000. What was his profit or loss? Rahul sofa set लेकर आया, bought a sofa set ₹25,000 का और sell किया उससे ₹32,000 में. तो उसका हमें profit होगा कि loss होगा? तो सबसे पहले हम condition लिख देंगे. A part SP, sorry CP of sofa set equal to ₹25,000. ये लेकर आया था अपने. SP of sofa set equal to ₹32,000. अब देखिए यहाँ पर SP is greater than CP है, तो क्या कंडीशन होगी? हमने फर्स्ट कंडीशन देखी थी, if the SP is greater than CP then profit. तो SP is greater than CP equal to profit. SP profit equal to SP minus CP means ₹32,000 माइनस ₹25,000 कितना हुआ? ₹7,000. दिस इज द प्रॉफिट एंड दिस इज द आंसर. गॉट इट? समझ आया? समझ आया. देन स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. बी पार्ट. हरीश वीव्स बास्केट एट हिज होम इन असम. हरीश बास्केट वीविंग करता था असम में. ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹350 on a basket he sells for ₹800. means जिस basket को वो 800 में sell करता था, उस पे ₹350 का profit लेता था. what is the cost of the basket? अब हमें basket की CP निकालनी है. तो क्या करेंगे? सबसे पहले conditions लिख लीजिए. conditions क्या है? conditions है SP of basket equal to ₹800. मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेटमेंट शॉर्ट होना चाहिए लेकिन प्रॉपर होना चाहिए. प्रॉफिट इक्वल टू ₹350. अब कंडीशन हमें सीपी निकालना है. सीपी ऑफ बास्केट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट. तो मीन्स ₹800 माइनस ₹350, तो कितना हुआ? ₹450. एंड दिस इज द आंसर. सिंपल. इस तरह से हम कंडीशन और फॉर्मूला, कंडीशन देखकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसकी बेसिस पे हम आंसर फाइंड करते हैं, तो हमें पता चल जाता है whether we get this profit or loss or whatever. So
this is the end of question number 2. Let's start. I'll send the more questions, or we will do the next questions in my next video.